नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी जीएनएम ऑनलाइन फॉर्म 2024। जो भी स्टूडेंट्स जीएनएम फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उनका इंतजार अब ज़्यादा दिन का नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से शुरू होंगे और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें ये भी आपको बताया जाएगा। तो आगे आप सभी स्टूडेंट्स क्या करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट लगातार मिलती रहे, वो भी टाइम टू टाइम। देखो जीएनएम से संबंधित, जीएनएम हो चाहे आपका एएनएम हो, इनसे संबंधित यदि आप सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पर सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई फालतू वीडियो नहीं मिलेगी और साथ ही साथ जो भी जानकारी होगी वो आपको सटीक तरीके से दी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए यदि आप जीएनएम का 2024 में फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे। तो पहली बात, आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 17 वर्ष कब तक होनी चाहिए, तो वो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, आप 12th पास होने चाहिए। 12th अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इससे पहले भी आपने 12th किया है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब भी आप डाल सकते हो, मैथ आपके पास है तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हो, और आर्ट स्टूडेंट, आर्ट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो, ये सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। जैसा कि आप सभी को लगो पता चल चुका है हमारे हिसाब से कि इसका पेपर पैटर्न जो है उसमें चेंज जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो अब आपका कराएगा वो एक नई एजेंसी कराएगी। यूपी के जितने भी जीएनएम कॉलेज हैं, जीएनएम जहाँ से आप करना चाहेंगे यूपी में, उन सभी कॉलेजों के लिए एक ही टेस्ट आपका कराया जाएगा, एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम अब होगा, अलग से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कराएगा कौन, तो एक नई एजेंसी जिससे आप परिचित भी हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का टेस्ट करा रही है, वही आपके जीएनएम का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी और एक ही टेस्ट होगा सभी कॉलेजों के लिए, चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ स्टूडेंट उनके लिए मैथ, आर्ट स्टूडेंट उनमें जीके जीएस हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैथ और बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पर भी थोड़ा अपना ध्यान देते रहें, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को करा रही तो इंग्लिश के भले ही आपसे 10 क्वेश्चन पूछे या 15 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर आपको दिए जाएंगे। नेसेसरी आपको पढ़ना, आपको पहले से पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो मैथ स्टूडेंट उनको मैथ, आर्ट स्टूडेंट उनको जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश में पकड़ अच्छी रखनी होगी, ठीक है। अभी इसका कोई पेपर पैटर्न ऐसा शेड्यूल नहीं इन्होंने जारी किया है कोई अभी तक जिसमें पेपर पैटर्न दिया हो, जैसे ही पेपर पैटर्न आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रवेश परीक्षा से होगा जीएनएम में दाखिला। अब यूपी के जितने भी कॉलेज हैं, यूपी में लगभग यहाँ पर 386 कॉलेज हैं और इन 386 कॉलेजों के लिए सिर्फ एक टेस्ट होगा, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है तो 17,845 यहाँ पर सीट्स हैं और सभी के लिए एक ही टेस्ट आपका होगा। जो कॉलेज पहले मेरिट बेस एडमिशन लेते थे वो मेरिट बेस एडमिशन अब नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही वो सीट आपकी भरी जाएगी। तो मेरिट बेस का जो सपना देख रहे स्टूडेंट, वो मेरिट बेस का सपना मत देखिएगा, क्योंकि मेरिट बेस आपका एडमिशन इस साल नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो जाती थी मेरिट बेस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी मेरिट अच्छी थी नहीं भी थी तब भी उनका एडमिशन हो जाता था सिफारिश के जरिए कहीं ना कहीं, लेकिन अब इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी के जरिए सीट्स आपकी भरी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि ये फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे, तो ये फॉर्म आपके जो भरे जाएंगे वो नोटिफिकेशन जो आपका जारी किया जाएगा वो जून महीने के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका
15 या 20 दिन बाद आपका एग्जाम करा लिया जाता है, तो मान के चलिए जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में, जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा, यदि आप GNM एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पेपर जो है वो बहुत ही जल्द अब होगा। ठीक है, यहाँ पेपर कराएगा कौन, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सौंपा किसे गया है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को ये आपका जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेबसाइट क्या है इसकी, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट अभी हम आपको आगे दिखा देंगे चल के। ठीक है, फॉर्म किस वेबसाइट पर आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा जैसे ही फॉर्म यहाँ पर आएंगे। आगे देखिए तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए आपके पास वही है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर थोड़ा पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। तो हमारे इस चैनल पर शाम चार बजे डेली फ्री में क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी एन सी आर टी बेस क्लासें चलाई जा रही हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के शानदार क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी मैं। तो आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से काफ़ी क्लासें डली हुई आप उन क्लासों को देखिए, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग सके। ठीक है, बात करते हैं फॉर्म आपके कब आएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो फॉर्म आपके जून महीने में आ जाएंगे, और जुलाई के महीने में आपका एग्ज़ाम हर हाल में करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शाम 4 बजे क्लास को अटेंड करिए। आज हम आपके लिए लेके आ रही हूँ बायोलॉजी की स्कोर बूस्टिंग सीरीज। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे बायोलॉजी के 12th क्लास से, तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।